उसे इकतदार की भूख लगती है तो वो बलोच लापता अपराध के लिए बात करता है और वो सिर्फ बात की हद तक होता है, और जब वो इकतदार की कुर्सी में बैठ जाता है तब उसकी सारी सर्विस सिर्फ रियासत के लिए होती है। कैसे बता सकती है कि सिक्योरिटी एजेंसी के पास है? तो अगर वो नहीं है, चलो मैं मान लेती हूँ कि वो आपके पास नहीं है, वो जहाँ कहीं है उन्हें लेके आए, आप मेरे लिए आसानी करें, मेरी मुश्किलें आसान करें, हमारे आन पे रहम करें। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान और इस सुबह की जितनी भी नुमाइंदा तलबा सियासी तंजीमें हैं, उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए इस काम कौम के जवान बाजू की हैसियत से अपना हक निभाते हुए आज आयात बलोच और ऐसे दीगर जितने भी कौमी जद्दोजहद के शहदा हैं उनके लिए निकले हैं। अगर तारीख आयात बलोच को खिराज अकीदत पेश करता हूँ के आयात बलोच के लहू ने यहाँ पश्तून बलोच नौजवानों में एक अभी और आर्मी की हिमायत में बात रखते हैं। क्या ये हमारे नुमाइंदे हैं? क्या इन नुमाइंदों को हमने असेंबली में अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी? हमें उन लीडरों का चुनाव करना पड़ेगा, वो लीडर जो क्रिकेट की तरह रंग ना बदले, वो लीडर जो हमें रुखा ना दे, वो लीडर जो शहीद के नाम लगा कर हमारा जो कत्ल है उसको माफ ना करवा दे। शहीद क्या है? क्या आप शहीद लिख देंगे और हयात का कत्ल माफ हो जाएगा? क्या हयात जो है ना निकला था किसी इसके लिए? क्या वो खून कत्ल होने के लिए निकला था? वो पढ़ने के लिए निकला था? वो मलिक नाज जो घर में अपने बच्चों को संभाल रही थी वो कत्ल होने के लिए नहीं निकली थी? वो कत्ल होने के लिए नहीं बैठी थी अपने घर में कि आप लोग उसको शहीद किए कि उसके खून को माफ कर दे? अब मैं बुलाना चाहती हूँ आलमगीर को कि वो आए और अपने हालात कहते आलमगीर मंदोफे।